हेलो एवरीवन, दिस इज सीए गौतम सलूजा। आज बात करते हैं पीपीएनई के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स के ऊपर। सबसे पहले तो फिजिकल वेरिफिकेशन, एक ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि फिजिकल वेरिफिकेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो सही है या नहीं। ऑडिटर ऑफ कोर्स फिजिकली प्रेजेंट भी हो सकता है व्हेन द फिजिकल वेरिफिकेशन इज गोइंग ऑन टू सी कि वो प्रोसेस सही तरीके से फॉलो हो रहा है या नहीं। प्लस अगर कोई थर्ड पार्टी एसेट्स हैं तो उसकी कॉन्फर्मेशन मंगाई जाए, जिसमें ये कन्फर्म हो कि हाँ थर्ड पार्टी के पास वो एसेट एक्चुअली है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग पॉलिसीज़, कि क्या क्लाइंट ने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को सही तरीके से डिप्लॉय किया है या नहीं। मतलब से कैपिटलाइज कॉस्ट है तो उसके अंदर कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड हो रही है, क्या इसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी है। अगर कॉस्ट या वैल्यूएशन मॉडल फॉलो हो रहा है तो वो कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो हो रहा है। डिप्रिसिएशन SLM या WDV कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो हो रहा है। रेजिडुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या कोई पॉलिसी है जो क्लाइंट डिप्लॉय कर रहा है। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के लिए क्या एटलीस्ट वंस असेसमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट आता है कि एसेट को कंपोनेंट अप्रोच के अकॉर्डिंगली ही अकाउंट फॉर करना चाहिए। मतलब अगर कोई पार्ट ऑफ दी एसेट ऐसा है जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है या फिर उसकी यूजफुल लाइफ रेगुलर एसेट से डिफरेंट है तो उसको कंपोनेंट अप्रोच के अंदर ही अकाउंट फॉर किया जाए। लैंड एंड बिल्डिंग के केस में ऑडिटर के लिए नेसेसरी है कि वो टाइटल डीड स्पेसिफिकली चेक करे, क्योंकि कारो 2020 ये पॉइंटर लेकर के आया है कि लैंड एंड बिल्डिंग या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो उसमें बेनामी प्रॉपर्टीज़ तो कुछ नहीं है, और अगर उसके अगेंस्ट कुछ है तो वो रिपोर्ट करना होता है ऑडिटर को। कुछ चीज़ें बाकी हैं जैसे कि एडिशंस, डिस्पोजल्स, इम्पेयरमेंट, डिप्रिसिएशन, ये हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।